हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। डेली शाम को 8 बजे आपको जीके की वीडियो प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर ये हमारा पार्ट 44 रहेगा। ऑलरेडी 43 पार्ट चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए गए हैं और उनको प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दिया गया है। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आपको जीके याद होनी भी शुरू हो जाएगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, इसलिए मैं डेली ये क्वेश्चन लेती हूँ ताकि आपको पीछे वाले क्वेश्चन रिवाइज करा पाऊँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। अब तक तो ये आपको याद भी हो गया होगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, 1885 में, दूसरा 1886 में, तीसरा 1887 में और चौथा 1888 में। पहले चार लगातार आपको याद रखने हैं। ओके, कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ कहां था, मुंबई के अंदर, दूसरा कोलकाता के अंदर, तीसरा मद्रास में और चौथा हुआ था इलाहाबाद में। ओके, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, WC बैनर्जी। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, दादाभाई नरोजी। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में यानी कि 1887 में अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले। ओके, 1885, 86, 87 और 88 चारों कब हुए, कहाँ हुए और उनके अध्यक्ष कौन थे। उसके बाद कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नरोजी। सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। उसके बाद 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कहाँ था, कोलकाता में हुआ था और उस अधिवेशन में अध्यक्षता किसने करी थी, तो रहीम तुला सयानी ने करी थी। आगे समझ में। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था सबसे पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था, 1896 में, और किसके अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में, कहाँ पर गाया गया था, कोलकाता के अंदर। सबसे पहले राष्ट्रीय गीत जो है हमारा वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसको गाने में 65 सेकंड लगते हैं, जिसको बकीम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, वो सबसे पहले कब गाया गया था, कांग्रेस के 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। आगे समझ में। कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है और हुगली नदी के किनारे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था भी 1920 में, और अगर हम बात करें 1919 की, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था, 1920 में, ठीक है। और ख़त्म कब हुआ था, तो आपने चोरा चोरी नामक घटना सुनी होगी, उसके दौरान ये 1922 के अंदर असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको मुझे ये बताना है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है। साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये आपको मुझे नीचे कमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोलिंग नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है। तो मोलिंग नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे है, नवाबों का शहर भी लखनऊ को बोलते हैं, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, सिक्किम जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य है और सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। ओके, नेक्स्ट है, आशुतोष कप किस खेल में दिया जाता है, आशुतोष कप किस में दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल में। मडरेगा कप किस में दिया जाता है, मैंने आपको पहले करा रखा है, मडरेगा कप फुटबॉल में दिया जाता है। रोवर्स ट्रॉफी भी किस में दी जाती है, फुटबॉल में दी जाती है। फीफा कप किस में दिया जाता है, ये भी फुटबॉल में दिया जाता है। अब उसमें एक और ऐड कर लेना, आशुतोष कप, ठीक है, आशुतोष कप किस में दिया जाता है, फुटबॉल में। हॉकी में हमने कर ही रखे हैं, ध्यानचंद कप, बेटन कप, ये सारे हॉकी में दिए जाते हैं। आगा खां कप पोलो में दिया जाता है, एजरा कप, पोलो में प्लेयर कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्रिकेट के अंदर दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सारी क्रिकेट में दी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉर्डन की राजधानी क्या है। तो जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, और करंसी क्या है जॉर्डन की, दिनार। ओके, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, करंसी क्या है, डॉलर। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और करंसी क्या है, रियाल। ओके, इसकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसकी PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, OBC यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का हेडक्वार्टर है हरियाणा का एक जिला है गुरुग्राम, वहाँ पे है, ठीक है, गुरुग्राम के अंदर है। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु के अंदर है, ये आपको याद रखना है। कॉरपोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मैंगलोर में है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वडोदरा के अंदर है। ओके, नेक्स्ट है हमारा,
शेषनाग झील भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है, यानी कि किस यूटी के अंदर है। तो इसके अंदर पहले तो मैंने यहाँ पे जो ऑप्शन लिया उसमें से यूटी कौन कौन सी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार है, जम्मू कश्मीर में है और दिल्ली है, उड़ीसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो ये तो वैसे ही कट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत जीके आती है तो एलिमिनेट कर पाओगे आराम से। शेषनाग झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ओके, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भारत संवैधानिक उपचारों का अधिकार का अनुच्छेद क्या है, भारतीय संविधान से ये क्वेश्चन है। काफी सारे अनुच्छेद मैंने आपको पहले भी करा रखे हैं, यहां से भी हम काफी सारे क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। पहला तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के अंदर हमारा छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब हमारा संविधान बना था तब 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति का मौलिक अधिकार खत्म कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था, उसका अनुच्छेद क्या है, तो उसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक इसमें क्या आता है, मौलिक अधिकार आता है, लेकिन चैप्टर नंबर 3 आता है जो कि अमेरिका से लिए गए थे, उसी के अंदर अनुच्छेद 32 है, उसमें छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, धन विधेयक का अनुच्छेद कौन सा है, 110 है। उसके संविधान संशोधन का अनुच्छेद पूछे तो 368, और राज्यपाल का अनुच्छेद पूछे तो 153। राज्यपाल को इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और यूके। थाईलैंड के साथ कौन सा होता है, मैत्री होता है। नेपाल के साथ होता है सूर्य किरण, और चीन के साथ होता है हैंड इन हैंड। ओके, चीन की कैपिटल बीजिंग है, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल लंदन है। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी भारत में कहाँ पर है, तो डॉक्टर सलीम अली के नाम से, डॉक्टर सलीम अली ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, यानी इनको कि पक्षियों की रिसर्च करना, उनके बारे में पढ़ना, इस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा शौक था। तो डॉक्टर सलीम अली के नाम से दो चीज़ें हैं, उनके नाम से नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क कहाँ पर है, इनके नाम से जम्मू कश्मीर में है, और इनके नाम से बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, गोवा में है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है। ठीक है, जनसंख्या में सबसे बड़ा यूपी है, और सबसे छोटा कौन सा है, सिक्किम है। आ गया समझ में? तो ये हमारी आज की वीडियो थी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।